ये तीन बातों के कारण शाहरुख खान का करियर हो रहा है बर्बाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है, जब उनकी एक्टिंग हर फिल्मों में लाजवाब रहती है। फिर भी पिछले कई सालों से शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना खास कमाल नहीं दिखा पा रही। आखिर क्यों, इसके पीछे का क्या है रीजन जो शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पा रही, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला रीजन है मसाला फिल्म। जी आपने बिल्कुल सही सुना, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो शाहरुख के हर फैन चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म करे, चाहे वो डॉन 3 हो या फिर कोई और। लेकिन शाहरुख खान रोमांटिक फिल्मों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर शाहरुख खान एक जबरदस्त मसाला फिल्म करते हैं, तो ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे। दूसरी, कमजोर स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अब शाहरुख खान का स्टारडम खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चलने के पीछे का कारण है कमजोर स्क्रिप्ट। अगर हम शाहरुख खान की पिछली फिल्मों में देखा जाए, तो उनकी जो जो फिल्में की स्क्रिप्ट अच्छी है वो बॉक्स ऑफिस पर चली है, और जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई वो फिल्मों की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी। तो शाहरुख खान को इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए फिल्म की स्क्रिप्ट पर, क्योंकि कमजोर स्क्रिप्ट के कारण शाहरुख खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती। और तीसरा, फिल्म के फेक रिव्यूज और क्रिटिसाइज। इस बार भी हम जीरो की बात करें, तो जीरो फिल्म रिलीज होने से पहले ही फेक रिव्यूज आना शुरू हो गए थे और ये फिल्मों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये कोई भी एक्टर के लिए बहुत ही गलत बात है। अगर बात करें जीरो फिल्म की, तो ये फिल्मों को क्रिटिक्स में से 4 से लेकर 1 स्टार मिले थे, यानी कि रिव्यू में भी इतना बड़ा फासला। अब आप भी सोचिए कि इतना बड़ा फासला कैसे हो सकता है। अगर फिल्म बुरी होती तो सबको पसंद नहीं आती, अगर फिल्म अच्छी होती तो सबको पसंद आती। जबकि यहाँ पर जीरो फिल्म को कई सारे क्रिटिक्स ने बहुत ही पसंद किया था, और चंद क्रिटिक्स ने ये फिल्म को सीधे सीधे नकार दिया था। यानी कि कोई भी फिल्म पर फेक रिव्यूज का काफी बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन बातें जो शाहरुख खान का करियर कहीं ना कहीं नीचे ला रहा है। अगर शाहरुख खान एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके या फिर कोई एक अच्छी मसाला फिल्म साइन करते हैं, तो शाहरुख की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के ज्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में क्या सोचना है और आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।